सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगा रियलमी के C15 की, जो कि दोस्तों मेरे पास क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वाला एडिशन है, जो कि दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट सेल से मंगाया है। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इस फ़ोन में दोस्तों आपको क्या कुछ देखने मिलता है और ये फ़ोन आपको कितने प्राइस में मिलेगा और दोस्तों आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ उस फ़ोन के बारे में। बट दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको Realme C15 के बारे में सारे फीचर बताता हूँ और आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये है वो बॉक्स जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है Realme C15 का। इसका मेरे पास Qualcomm स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट है। तो चलिए दोस्तों मैं इसे ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। वैसे मैंने इसे ओपन कर देख लिया था क्योंकि ऑनलाइन मंगाया था दोस्तों, तो चेक करना सही रहता है। दोस्तों जो है इसका बिल जो मैंने 10,000 रुपये का मंगाया है और दोस्तों ये है इसका बॉक्स Realme C15, ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। और दोस्तों इसका जो मेन हाईलाइट है इस फ़ोन का वो है इसकी बैटरी, 6000 mAh की इसके अंदर बैटरी दी गई है और Qualcomm स्नैपड्रैगन वाला इसका जो वेरिएंट है। दोस्तों इसके की हाईलाइट की बात करें तो इसमें हमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसका जो मेन कैमरा दोस्तों वो 13 MP का है। दोस्तों 13 MP कैमरा आज के टाइम में इतना खास नहीं है, बट दोस्तों रेट के हिसाब से इसकी जो प्राइस है इस फ़ोन की उसके हिसाब से दोस्तों काफ़ी अच्छा कैमरा है। और दोस्तों इसी बॉक्स के अंदर आपको 18 वॉट का एक चार्जर मिल जाता है दोस्तों, जिससे आप इस फ़ोन को काफ़ी जल्दी चार्ज कर सकोगे। दोस्तों इसके अंदर आपको 6.5 इंच की एक HD+ डिस्प्ले दी गई है, जो कि दोस्तों एक बॉटम ऑर्डर डिस्प्ले है। दोस्तों चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं और मैं आपको इसके सारे फीचर और इसके फ़ोन के बारे में बताता हूँ। और दोस्तों मेरे पास इसका सिल्वर कलर है, देखने में दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ पेपर वर्क हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हो, इस फ़ोन के बारे में लिखा हुआ है। जी है दोस्तों इसका फ़ोन, इसमें बाद में बताऊँगा आपको, इसे साइड में रखता हूँ। जी दोस्तों इसकी डाटा केबल, जो कि दोस्तों एक USB डाटा केबल है, सी टाइप नहीं है इसमें। और यह दोस्तों इसका चार्जर देख सकते हो आप, Realme का ब्रांडिंग लगी हुई है इस पर। और दोस्तों चार्जर एक फास्ट चार्जर है, 18 वॉट का एक फास्ट चार्जर दिया गया है इस फ़ोन के अंदर, फ़ोन के साथ दोस्तों आपको। तो चलिए इस सबको मैं साइड में रखता हूँ और आपको इस फ़ोन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों ये है वो फ़ोन, ये देखिए दोस्तों मेरे पास इसका 4GB और 64GB वाला वेरिएंट है Realme दोस्तों, इस पर एक चिट लगी हुई है और Realme दोस्तों ब्रांडिंग है। देखने दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें दोस्तों एक कैमरे का सेटअप दिया गया है, बिल्कुल दोस्तों आपको iPhone की तरह दिया गया है। जिसकी वजह से दोस्तों ये फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो पीछे दिया गया है। और दोस्तों इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलता है, इसमें आप 2 SIM और प्लस मेमोरी कार्ड आराम से लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका जो दोस्तों फ्रंट कैमरा है 8 MP का, वो आपको यहाँ पर ड्रॉप की तरह दिया गया है। तो दोस्तों इसमें आपको काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलता है रेट के हिसाब से। चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसमें दोस्तों हमें एक्चुअल में क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों मैंने फ़ोन को सेटअप कर दिया है, तो दोस्तों देख सकते हो आप इसमें जिसकी डिस्प्ले दी गई है काफ़ी अच्छी दी गई है। इसमें दोस्तों कलर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और दोस्तों इसमें Realme के फ़ोन होते हैं, इसके अंदर हमें दोस्तों एक अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, वो दोस्तों ऐप ड्रॉअर। हमने काफ़ी फ़ोन देखे हैं MI के और Vivo के, उसमें दोस्तों हमें जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं वो ऊपर ही होती हैं, बट दोस्तों इसके अंदर आपको एक ऐप ड्रॉअर देखने को मिलता है, जो दोस्तों काफ़ी लोगों को ऐप ड्रॉअर अच्छा लगता है, तो उसमें दोस्तों ऐप ड्रॉअर भी दिया गया है। दोस्तों इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 6.5 इंच की एक HD+ डिस्प्ले दी गई है, जो कि दोस्तों एक फुल व्यू डिस्प्ले है। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर ड्रॉप वाला कैमरा दिया गया है 8 MP का। तो दोस्तों मैं कहूँगा कैमरा इतना खास नहीं है, बट दोस्तों आपका जो नॉर्मल पिक्चर होती हैं वो आसानी से ले लेगा, क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से इसकी रेट है उस हिसाब से इसका कैमरा
काफ़ी अच्छा है 8 मेगापिक्सल का। और दोस्तों इसके बैक में हमें यहाँ पे 4 कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें दोस्तों जो मेन कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है दोस्तों, और दोस्तों दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, तीसरा 2 मेगापिक्सल का है, और चौथा दोस्तों 2 मेगापिक्सल का है। दोस्तों इसमें आपको 4 कैमरा दिए गए हैं, जिसका दोस्तों मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, जिसका जो दोस्तों अपर्चर है वो 2.2 है। दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा इतनी क्लियरिटी नहीं आएगी पिक्चर के अंदर, बट दोस्तों आप इसमें अपनी नॉर्मल पिक्चर आसानी से ले सकते हो। और दोस्तों इसकी डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें हमें गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन है रेट के हिसाब से। और दोस्तों इसमें हमें एंड्रॉइड 10 का दोस्तों जो एंड्रॉइड वर्जन है दोस्तों वो हमें इसमें एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। और दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 का दिया गया है। दोस्तों इसका एक ब्रांड और आया था सबसे पहले, वो था दोस्तों मीडियाटेक का, बट दोस्तों जिसने रियलमी ने दोस्तों नया फ़ोन लॉन्च किया है, वही फ़ोन दोस्तों सारे फीचर सेम है, बट इसमें जो प्रोसेसर है दोस्तों वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 460 कर दिया गया है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसका जो वेरियंट है मेरे पास जो दोस्तों 10,000 रुपये में आया है, वो दोस्तों 4GB 64GB वाला। दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो 10,000 रुपये में रियलमी की ब्रांडिंग हो, जिसमें दोस्तों 4 कैमरे का सेटअप दिया गया हो, देखने में दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता हो, तो दोस्तों आप इस फ़ोन को बिना टेंशन खरीद सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ आपको जो कैमरा है वो इतने खास नहीं है। बट दोस्तों अगर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हो, बड़ी बैटरी हो 6000mAh की, और दोस्तों फास्ट चार्ज दिया गया हो, तो दोस्तों आप इस फ़ोन को ले सकते हो। और दोस्तों देखने में दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो कैमरे का सेटअप है 4 कैमरे का, वो देखने में दोस्तों काफ़ी कूल लगता है। तो दोस्तों 10,000 रुपये में मैं कहूँ काफ़ी अच्छी डील है। अगर आपको रियलमी की ब्रांडिंग का फ़ोन चाहिए तो आप रियलमी C15 ले सकते हो, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन एडिशन वाला, जो दोस्तों प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और दोस्तों इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो बैक में दिया गया है। दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं उनको ऐसा फ़ोन चाहिए होता है जिसका फिंगरप्रिंट बैक में हो, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों को आदत पड़ी होती है बैक में इस तरह टच करने की, क्योंकि दोस्तों बहुत से फ़ोन होते हैं जिनमें डिस्प्ले का सेंसर आता है या फिर साइड वाला आता है, तो उनकी दोस्तों को आदत नहीं होती है लोगों को, बट दोस्तों बैक के जो फिंगरप्रिंट होता है वो दोस्तों लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि आसानी से उसे लोग टच कर पाते हैं। दोस्तों इस फ़ोन में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं, और जो सेंसर है दोस्तों काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, इसमें सारे सेंसर आपको इस फ़ोन में मिल जाएंगे। बस दोस्तों इसमें जो कमी है थोड़ी वो कैमरे को लेकर है, क्योंकि दोस्तों इसका जो कैमरा है वो इतना खास नहीं है 8 मेगापिक्सल का, बट आपकी नॉर्मल पिक्चर आसानी से ले लेगा। अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो 10,000 रुपये के बजट में आया है रियलमी की ब्रांडिंग का, तो आप इस फ़ोन को बिना टेंशन के खरीद सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आपको इस फ़ोन में क्या कुछ देखने को मिलता है। और दोस्तों इस फ़ोन की प्राय है वो आपको फ्लिपकार्ट पर 10,000 रुपये देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों 10,000 रुपये में काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये, अगर आपको रियलमी का फ़ोन चाहिए जो कि दोस्तों रियलमी का अच्छा देखने में काफ़ी अच्छा लगता हो, और दोस्तों रियलमी ब्रांडिंग हो, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो बिना टेंशन के, क्योंकि दोस्तों इसका जो डिज़ाइन दिया गया है वो काफ़ी अच्छा है। इसके बैक में दोस्तों आपको मैट की देखने को मिलेगी, दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छे ग्रिप बनाता है जी। दोस्तों ये फ़ोन है आपके यहाँ से बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो बैक पैनल है वो एक मैट फिनिश में दिया गया है। और दोस्तों इसका जो कैमरे का बम्प है वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, आपको आईफोन 11 वाली फीलिंग आएगी। दोस्तों अगर आपको रियलमी का फ़ोन चाहिए तो आप इस फ़ोन को 10,000 रुपये के अंदर खरीद सकते हो, जो दोस्तों मैं कहूँ काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और दोस्तों 10,000 रुपये में काफ़ी अच्छी डील है रियलमी की तरफ से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं तरह की वीडियो आपके लिए बार बार लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।